नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नया साइट पर लेकर आया हूं और आज आपको एक 28 फीट बाई 38 फीट में बनता हुआ एक नया घर का पूरा काम को दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिर्फ 28 फीट बाई 38 फीट में 3 कमरा वाला मकान बना सकते हो। तो चलिए चलेंगे इस घर के अंदर भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस घर के बाहर का काम है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। कॉलम से लेकर बीम और लगा हुआ सरिया के बारे में हम लोग इसके बाहर में भी जानेंगे, फर्श का हाइट के बारे में भी जानेंगे, फिर इस घर के अंदर चलते हुए इस घर का पूरा वॉक थ्रू को देखेंगे। साइज मैंने बताया 28 फीट बाई 38 फीट में इस घर को बनाया गया है और इसका जो काम है छत के ढलाई तक कंप्लीट किया गया है। अंदर में डोर वगैरह फिक्स किया जा रहा है, आपको बताऊंगा। इसका फर्श का हाइट के बारे में जान लेते हैं तो लगभग 3 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो फर्श है उसका ऊंचाई है वो रखा गया है और ये जो आप प्लिंथ बीम देख रहे हो इसी के टॉप वाला लेवल पे इस घर का फर्श को बनाया जाएगा। ये आप इजिली यहाँ पर देख सकते हो। तो आखिर क्या साइज रखा गया है इस घर का प्लिंथ बीम का, तो देखिए ये जो बीम है 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे रखा गया है। ये जो प्लिंथ बीम है, कुछ लोग इसे कुर्सी का बीम ही बोलते हैं, तो 10 इंच बाई 10 इंच का है जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। ये दोस्तों 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग इस घर का जो प्लिंथ बीम है इसमें उपयोग किया गया है। कॉलम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं कि आखिर इस घर का जो कॉलम है इसका साइज क्या है और कितना सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। चलिए थोड़ा नज़दीक चलते हैं और इसका जो फुटिंग है इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि कलम बनाने का जो काम है सबसे पहले फुटिंग से ही स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा खोदा गया जिसमें 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग का काम किया गया 10 mm का जाली के साथ में। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा कॉलम वहाँ से बर्न होता है, उसके बाद कॉलम का जो साइज रखा गया है वो 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया। ये जो आप बीम देखे थे उसका साइज भी 10 इंच बाई 10 इंच का ही था, 12 mm का 4 सरिया का उपयोग। कॉलम में भी उसी साइज और उसी सरिया के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। टोटल 16 से 17 कॉलम इस घर में लगने वाला है, हालांकि अंदर जाके इसको मैं कंफर्म कर दूंगा कि टोटल कितना कॉलम है। ये छत का ढलाई तक का काम है वो कंप्लीट है, वो किया गया है। यहाँ पे एक बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो भी आप देख सकते हो साइड की तरफ, हालांकि सामने की तरफ भी विंडो सेम डिज़ाइन का उपयोग किया गया है। लिंटल हाइट को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आता था, देखिए 7 फीट की ऊँचाई पर इसका लिंटल हाइट रखा गया है। घर का फर्श से लेकर 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल का जो बीम रहता है उसका कास्टिंग किया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो 10.5 फीट की ऊंचाई में इस घर का जो फर्श से लेकर छत का ऊंचाई है उसका जो हाइट है 10.5 फीट रखा गया है। मतलब 7 फीट में लिंटल बीम आपको देना चाहिए, 10.5 फीट में छत का जो ऊँचाई है उसका ऊँचाई है वो रखना चाहिए। फ्रंट व्यू देखते हैं जल्दी से, फिर जल्दी से अंदर चलते हैं घर के और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो 28 फीट का यहाँ पे फ्रंट व्यू आप इजिली देख पा रहे हो। मेन डोर जाम करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो पिलर का कटिंग किया जा रहा है 4 फीट बाई 7 फीट का, इस तरीके से मेन गेट आ जाएगा। हालांकि पिलर कटिंग से आपको बचना चाहिए और जो डोर फिक्सिंग का बहुत सारा तरीका है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने डोर को फिक्स करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से सामने की तरफ डबल विंडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइज़ की बात कर ले जाए तो 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का दोनों ये विंडो है। दोनों विंडो के ऊपर वाला हिस्सा हम देखिएगा तो बॉक्स का डिज़ाइन के लिए जो ऊपर में निकाला गया उसी का कास्टिंग के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास का छज्जा है वो निकाला गया है। हालाँकि यहाँ पर पट्टी बीम दिया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सपोर्टिंग बीम जो कैंटिलीवर बीम है उसको यहाँ पे किया गया है। इसके ऊपर में छज्जा के ऊपर में आपको आने वाला दिन में सुंदर सा पैरापेट वाल का काम है वो देखने को मिलेगा, जिसके बाद इसका लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि आने वाला दिन भी मैं भी इस घर का मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँगा ही। इसके साथ साथ देखिएगा, देखिए ये जो कॉलम का कटिंग हो रहा है इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। अलग अलग तरीक़े से आप इजिली जो कॉलम का कटाई से आप बच सकते हो और डोर फ्रेम को फिक्स कर सकते हो। घुसने के साथ आपको वेटिंग एरिया मिलता है, इसके दाहिने साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्लाइट पार्ट है, फिर लैंडिंग है, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत के ऊपर चले जाते हो। क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाया गया है। इस जगह पर आप चाहो, क्योंकि घुसने के साथ ही ये जगह है, यहाँ पर एक छोटा सा आप बाइक या फिर जो साइकिल वगैरह होता है उससे पार्क कर सकते हो, या फिर स्टोर रूम के रूप में भी छोटा मोटा जो सामान रहता है एक्स्ट्रा उसको आप वहाँ पर रख सकते हो, इन्वर्टर वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा
जगह देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हो, इस जगह को आप चाहो तो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा विंडो भी आप देख पा रहे हो, घुसने के साथ ही पहला रूम है, इसलिए आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो जाता है। उसके आगे चलते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, ये देख सकते हो। हालांकि विंडो का साइज़ छोटा है, हॉल में या फिर डाइनिंग एरिया में कम से कम 5 फीट बाई 4 फीट के आसपास का विंडो लगाना चाहिए, जो कि 4 फीट बाई 4 फीट का लगाया गया है। एक और रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर पर एक एक रूम है। पहले एक रूम को आप देख लीजिए, साइज़ की बात कर ली जाए तो लगभग 13 फीट बाई 12 फीट के आसपास का ये रूम आप देख पा रहे हो। इसमें भी पीछे की तरफ एक विंडो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसके बगल वाला जो जगह है वहाँ पे भी आपको एक रूम देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का काम किया गया है, हालांकि सभी का अपना अपना चॉइस है, सभी अपने अनुसार अपने बजट के अनुसार काम करवाते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी आपको एक और रूम सेम साइज़ का मिल जाता है, 13 फीट बाई 12 फीट का, साइड में यहाँ पर आपको विंडो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो विंडो ग्रिल है उसका जो फिक्सिंग का काम है वो चल रहा है, और यहाँ पे बनाया जा रहा है किचन। आप यहाँ पे देख सकते हो एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण। यहाँ पे सिंक लगाने के लिए जगह है वो छोड़ा गया है। एक विंडो है आप देख सकते हो, लगभग 34 इंच के आसपास में ऊंचाई में इस घर का जो स्लैब है किचन स्लैब उसका ऊँचाई रखा गया है। और इस तरीका से यहाँ पर देखिएगा तो एक और रूम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो टोटल अगर रूम का संख्या की बात कर लिए जाए तो टोटल 4 रूम है, देख लीजिए। वहाँ से एंटर करते हो उसके साथ साथ वहाँ पे मेन डोर है, उसके लेफ्ट साइड में आपको सीढ़ी है, उसके जस्ट अपोजिट आपको एक छोटा सा रूम था आपने देखा था जो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल होने वाला है, ये आप देख सकते हो, इसका मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ ये हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है, ये देख सकते हो। मेरे पीछे 2 रूम है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, इसका बगल वाला है वो भी रूम ही है। फिर इसके बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। मतलब टोटल अगर छोटा वाला रूम को भी गिन लिया जाता है, टोटल 4 रूम के साथ हॉल डाइनिंग एरिया और किचन के साथ यहाँ पे सीढ़ी बनाया जा रही है। आप देख सकते हो इस तरीका से इस घर के लिए काम है वो किया गया है। हाइट के बारे में बताया कि 10.5 फीट का इस घर का छत का हाइट और 7 फीट का लिंटर का हाइट इस घर के लिए रखा गया है। फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे यहाँ पे सिर्फ 28 फीट बाई 38 फीट वाला घर में ही यहाँ पे मतलब 1076 स्क्वायर फीट में ही यहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा हॉल डाइनिंग एरिया किचन के साथ में सीढ़ी बना लिया गया है। मैंने इस घर के मालिक से बात किया, उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को घर के अंदर में टॉयलेट और बाथरूम रखना पसंद नहीं है, इसलिए वो घर के पीछे की तरफ या फिर साइड की तरफ आने वाला दिन में टॉयलेट और बाथरूम बनवा लेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया कि सभी का अपना अपना आवश्यकता है, सभी का अपना अपना बजट है और सभी अपने अनुसार घर बनाना पसंद करते हैं, तो ये उनका निजी रहता है और वो अपने अनुसार घर को बनवा रहे हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये इस घर का जो पैटर्न है वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डायरेक्ट साइट से मैं आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प है वो मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर के बारे में समझ सको। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।